नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, यूके SSSC का एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित है विज्ञप्ति एवं शुद्धि पत्र के संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूके SSSC के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली गई थी, अब वो यूके PSC के द्वारा कराई जाएंगी। तो दोस्तों, उसी क्रम में यूके SSSC ने ये शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों यूके SSSC के द्वारा इन निम्न विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि अब इन विज्ञापनों को यूके PSC के द्वारा निकाला जाएगा और दोबारा से आपको इन पदों के लिए फॉर्म फिल करने होंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी विज्ञप्ति है। शासन द्वारा अधिसूचना इतना इतना दिनांक 14/9/2022 के क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक दिनांक 15/9/2022 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निम्न विवरण अनुसार विभिन्न तिथियों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों को एता द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी विज्ञापन दोबारा से निकलेंगे और दोबारा से आपको इनको भरना होगा। तो जिन भी दोस्तों ने ये फॉर्म पहले नहीं भरे थे, अब वो इन फॉर्मों को भर सकते हैं। तो राजस्व विभाग में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल के 554, कारागार विभाग बंदी रक्षक पुरुष महिला के 213 पद, विभिन्न विभाग पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के 434 पद, मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 पद, वन विभाग में वन आरक्षी के 894 पद, विभिन्न विभाग निकाय अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी के 76 पद, अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 91 पद, पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षी PSC IRB अग्निशामक के 1521, उप निरीक्षक अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के 221 पद, कृषि एवं पशुपालन में चारा सहायक एवं कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 463 पद, विभिन्न विभागों में राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 आदि के 73, गन्ना पर्यवेक्षक राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक आदि के 100 पद, सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के 663 पद। तो दोस्तों, इन सभी विभागों के विज्ञापनों को यूके SSSC द्वारा निरस्त कर दिया गया है और अब इनके विज्ञापन यूके PSC के तहत निकलेंगे। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन यूके SSSC के द्वारा। बाकी यूके PSC भी जल्द ही एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है और इन सभी एग्जामों को यूके PSC द्वारा कराया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।